हाँ भाई, क्या हाल है? सब खैरियत? वैनम द लास्ट डांस मूवी आ चुकी है, मैं देख चुका हूँ और अब हम उसका रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें टॉम हार्डी एक तरीके से वैनम की लास्ट फ्रेंचाइज का लास्ट पार्ट का हमारे पास हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद अगली मूवी के अंदर टॉम हार्डी नहीं होने वाले। इस मूवी को आरडीजे ने मार्वल को सेटअप किया था एज टोनी स्टार्क कैरेक्टर प्ले करने के साथ, तो टॉम हार्डी ने एक तरीके से सोनी को सेटअप करा है वैनम मूवीज़ के अंदर एडी ब्रॉक का कैरेक्टर प्ले करने के साथ। जहाँ तुम ये कह सकते हो, हमारे पास वैनम फ्रेंचाइज के ऊपर अगर बात की जाए तो पार्ट वन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एक अलग कलर पैलेट उसकी थी, एक अलग वाइब थी उस मूवी में, वो कहने की मुझे पसंद आती है कि हाँ मूवी विजुअली इतनी अपीलिंग थी। जहाँ पार्ट टू जो है उसमें तुम कह सकते हो इतनी मिस्टेक्स हैं या डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा है कि पॉजिटिव सीन्स भी, मतलब कि काफ़ी अच्छे से अच्छा सीन भी तुम्हें बहुत ही एक नेगेटिव शेड में नज़र आ रहा होता है। तो स्पाइडरमैन के नाम पे उस मूवी को बेचा गया कि हाँ भी स्पाइडरमैन आएगा। जहाँ ये जो मूवी हमारे पास वैनम द लास्ट डांस, इसमें एज एडी ब्रॉक का क्रिएटर तुम्हें हमेशा की तरह पसंद आएगा अगर तुम पार्ट वन पार्ट टू से एडी ब्रॉक और वैनम की बॉन्डिंग देखते हुए आ रहे हो। तो मूवी के अंदर नल इंट्रोड्यूस होता है, नल पोर्टल्स वगैरह को खोलता है और हमें एक तरह से इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट ऐसे है कि ज़ेनोफेजेस हैं, अलग अलग सिम्बॉइड्स हैं जो वैनम को शिकार करना चाहते हैं, और नल वाला करेक्टर भी हमारे पास इस मूवी का हिस्सा है। शुरू में अपीयर हुआ है, बीच के कुछ सीन्स के अंदर अपीयर हुआ है, और एक तरीके से तुम कह सकते हो मूवी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अच्छे नहीं हैं। जो वैनम है वो कौन कौन से एज एनिमल्स के साथ सिम्बॉइड नज़र आ रहे हैं, वो एज फ्रॉग, हॉर्स एटसेट्रा एटसेट्रा कैरेक्टर के साथ नज़र आ रहा है। बाकी वैनम के जो वेरिएंट्स हैं उसमें तुम्हें एंटी वैनम नज़र आएगा, तुम्हें कार्नेज जैसा एक और कैरेक्टर नज़र आएगा रेड डेड सा, वो क्लाइमेक्स के सीन में नज़र आता है, और एक और कैरेक्टर है जो कि टॉक्सिन। ठीक है, तो वैनम मूवीज़ के अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अगर कॉन्टेक्स्ट है तो इस तरीके का कि एक सीन के अंदर ही उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। मूवी के अंदर मिसेस चैन भी हैं, वो भी एक थोड़े से मोमेंट के लिए तुम्हें नज़र आती है। डेंजर का सामना करना है लेकिन डांस करना ज़्यादा ज़रूरी कंसिडर किया जा रहा है। मूवी के स्टार्टिंग में एक फाइट है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस मूवी के अंदर कि ज़ेनोफेजेस वैनम को मारने के लिए आ रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को एक तरह से तुम कह सकते हो एक लाइन में एक सीन के अंदर एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन करने के बजाय प्रॉपर पूरी मूवी उसके ऊपर ड्रैग कर देते हैं। मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन्स में बात की जाए, एंड होने के बाद तो दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, एक एसेंशियल होगा जो फ्यूचर में आ गया, पोस्ट क्रेडिट सीन एसेंशियल होगा फ्यूचर में नल वाला जो हमें नज़र आ गया, और सेकंड वाला मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक चीज़ बताऊँ, ये मूवी एवरेज से नीचे है। मुझे कहीं ना कहीं अगर वैनम फ्रेंचाइज में कोई पार्ट पसंद आया तो वो वैनम 1 है। फिर तुम कह सकते हो वैनम 3 को रख सकते हैं और वैनम 2 को सबसे नीचे रख सकते हैं, क्योंकि उसमें डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा थी, वो पसंद ही नहीं आई। यही था सब कुछ, तो मैं कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेशन के अंदर बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखनी चैनल मारो सब्सक्राइब। मुझसे बस मिलने में मिल जाऊँगा, तब तक देखते रहो। फिर मसूद स्पीक्स, अल्लाह हाफिज़।